ये आप लोगों को आवाज आ रही है? यस सर। चलें, ये 5 मिनट तो गुजर गए हैं, ये स्टूडेंट ज्वाइन कर रहे हैं तो 5 मिनट रहते हैं, तो मैं ये आपको आज का जो टॉपिक है ये जरा ब्रीफ कर दूंगा। तो आज का टॉपिक है, इसको इसके डिफरेंट कह लें, इसके नाम है इस लेक्चर के या इस टॉपिक के, एक इसको कहते हैं जी इंट्रोडक्शन टू क्वांटल वायरस एसेज, इसको ऐसे भी कह देते हैं कि टू डिटरमिन द टाइटर ऑफ द वायरस या टू डिटरमिन द क्वांटिटी ऑफ द वायरस, ठीक है, इसको वायरस टाइट्रेशन भी कहते हैं। तो फिर आप इस वायरस टाइट्रेशन की डिफरेंट कह लें, आगे फिर टाइप्स हो जाती है, किसी को हम कह देते हैं TCID 50, टिश्यू कल्चर इन्फेक्शियस डोज 50, या LD 50 कह देते हैं, लिथल डोज 50, और फिर EID 50 भी कह देते हैं, एम्ब्रियो इन्फेक्शियस डोज 50। तो अब ये डिफरेंट नाम, जैसे लेक्चर में भी आपने टाइटल में देखा होगा कि वायरस टाइट्रेशन डिटर्मिनेशन ऑफ EID 50, LD 50 या TCID 50, तो ये डिपेंड करता है कि आप वायरस को आपने किस होस्ट में लगाया है या इनाकुलेट किया है। तो एम्ब्रियो में लगाया है तो EID 50 कैलकुलेट करेंगे, एम्ब्रियो इन्फेक्शियस डोज 50। अगर किसी एनिमल में लगाया है तो लीथल डोज 50 होगा। एग में भी LD 50 हो सकती है, अगर एग में सिर्फ इन्फेक्शन नहीं चेक किया बल्कि आपने चेक किया कि वायरस ने एम्ब्रियो को किल किया है कि नहीं, तो उस वक्त भी LD 50 कह सकते हैं। अगर सेल कल्चर, पिछले लेक्चर्स में बताया आपको कि सेल कल्चर को कैसे वायरस हम इनाकुलेट करते हैं, फिर क्या उसमें ऑब्जर्व करते हैं, तो जो भी कह लें वायरस की इन्फेक्टिविटी आप चेक करेंगे टिश्यू कल्चर में, तो उसको हम कहते हैं TCID 50, टिश्यू कल्चर इन्फेक्शियस डोज 50। तो ये तो है डिफरेंट टर्म्स, ठीक है। तो ये सारा कुछ हम क्यों मेजर करते हैं वो जरा हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले कि जब आप वायरस किसी भी होस्ट में आप लगाते हैं, इनाकुलेट करते हैं, तो कोई ना कोई ऐसी ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए कि आपसे, जिससे आपको पता चल जाए कि वायरस जो है उसने इन्फेक्ट कर दिया है, ठीक है। सेल ही इन्फेक्ट होंगे, चाहे वो एम्ब्रियो हो, चाहे वो एग हो, वो कोई एनिमल हो, लाइव एनिमल हो, लेबोरेटरी एनिमल हो, या वो सेल कल्चर हो, तो सब में जो चीज़ इन्फेक्ट होनी है, जिसके साथ जाके वायरस ने इंटरेक्ट करना है, वो क्या है, सेल। तो वायरस होस्ट सेल इंटरेक्शन होगी और फिर वायरस उसके अंदर, सेल के अंदर कह लें अटैच होगा, और अटैच होने के बाद वायरस इंटर हो जाएगा, रेप्लिकेट करेगा, उसको सेल को डिस्ट्रॉय करेगा, रिलीज हो जाएगा। तो इस सारे प्रोसेस को हम कहते हैं वायरस की इन्फेक्टिविटी। तो कोई भी वायरस जितना ज़्यादा कह लें इन्फेक्टिव होगा, उतना ही ज़्यादा फिर वो उसकी अमाउंट होगी उस सस्पेंशन में जो आके आप हार्वेस्ट करेंगे एम्ब्रियो से या सेल कल्चर से या एनिमल का कोई भी टिश्यू लेंगे, तो उसमें जो उसका जो पर यूनिट वॉल्यूम है उसके, उसमें अगर वायरस की अमाउंट बड़ी है तो इसका मतलब क्या है कि वायरस वाज इन्फेक्टिव, उसने रेप्लिकेट किया और अपनी अमाउंट को बढ़ा दिया, ठीक है। तो इसको हम, ये जो ऐसे जो मैं हम डिस्कस करने जा रहे हैं, इसको वायरस इन्फेक्टिविटी ऐसे भी कहते हैं। और क्यों कहते हैं कि इन ऐसे से आप वायरस की इन्फेक्टिविटी, एबिलिटी टू इन्फेक्ट ए होस्ट कैन बी डिटरमाइंड, ठीक है। तो डेफिनेटली जो भी टेस्ट सिस्टम होगा वो वायबल होना चाहिए, उसमें वायबल सेल होने चाहिए। तो ये चीज़ ज़रा पहले पैरे में है, इधर इसको आप पढ़ेंगे कि वायरस विल इन्फेक्ट एंड देन द टाइटर ऑफ द वायरस विल बी इंक्रीज। तो टाइटर क्या है, टाइटर इज डिफाइंड एज गिवन नंबर ऑफ इन्फेक्शियस वायरस यूनिट्स पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। तो अगर जो वायरस आप लगा रहे हैं, फर्ज करें मैं एक एग्जांपल रख देता हूँ, एनिमल को आप लगा रहे हैं, तो उसमें एक ख़ास अमाउंट होगी उसके पर यूनिट वॉल्यूम में, और जब आपने लगा दिया उसको 24 घंटे बाद उसको हार्वेस्ट करेंगे, तो उसके पर यूनिट वॉल्यूम में अगेन अगर वायरस की अमाउंट उतनी रहेगी, तो उसका मतलब क्या है कि वायरस ने इन्फेक्ट ही नहीं किया, वही वायरस जो आपने लगाया था तकरीबन वही या उससे भी कम आपने रिकवर किया है। लेकिन अगर आपने इन्फेक्शन के बाद
पर यूनिट वॉल्यूम वायरस की अमाउंट बढ़ गई, तो उसका मतलब क्या है, वायरस का टाइटर इंक्रीज हो गया, वायरस ने ग्रो किया, वायरस की इन्फेक्टिविटी उस होस्ट के लिए मौजूद थी। ठीक है, तो ये आपकी चलें अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो इन्फेक्शियस यूनिट क्या है वायरस का, इन्फेक्शियस यूनिट इट इज़ द स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ द वायरस दैट कैन प्रोड्यूस सम रिकग्नाइजेबल इफेक्ट इन द होस्ट सिस्टम। होस्ट सिस्टम वही है, एनिमल हो सकता है, एम्ब्रियो हो सकता है या सेल कल्चर। तो रिकग्नाइजेबल इफेक्ट का मतलब क्या है कि भी वायरस के इन्फेक्ट करने के बाद आया आप कोई चेंज ऑब्जर्व कर सकते हैं। अगर एनिमल है तो उसमें जो सबसे ज़्यादा चीज़ ऑब्जर्व कर सकते हैं वो ये है कि एनिमल जिंदा रहा कि किल हो गया। रैबिट में फर्ज करो आपने वायरस लगाया तो वायरस ने रैबिट को किल कर दिया कि नहीं कर दिया, तो ये एक रिकग्नाइजेबल इफेक्ट है। सेल कल्चर में रिकग्नाइजेबल इफेक्ट क्या होता है, सीपीई, साइटोपैथिक इफेक्ट, जो लास्ट लेक्चर में मैं डिस्कस कर रहा हूँ। बहुत सारे साइटोपैथिक इफेक्ट हैं, तो उनमें से कोई भी अगर आपने ऑब्जर्व कर लिया तो समझ लें कि आपने एक एक यानी कि एक नोटिस चेंज नोटिस कर लिया है। तो इस तरह की चेंज मालूम होने चाहिए आपको अपने टेस्ट यूनिट के लिए, तभी आप वायरस की इन्फेक्टिविटी चेक कर सकते हैं। एम्ब्रियो में भी इसी तरह वायरस की इन्फेक्टिविटी उसकी लिथैलिटी से ही चेक होती है। तो फिर इसके बाद आ जाता है जी के टाइप्स ऑफ इन्फेक्टिविटी एसेज। तो एसेज की दो ब्रॉड कैटेगरीज होती हैं, एक को हम कहते हैं क्वांटल एसेज और एक को हम कहते हैं क्वांटिटेटिव एसे। आज का जो एसे हम डिस्कस करने जा रहे हैं ये क्वांटल एसे और उसकी एग्जांपल्स हैं। क्वांटिटेटिव एसेज ये आप जब वायरोलॉजी पढ़ेंगे फिफ्थ सेमेस्टर में उधर हम डिस्कस करेंगे। तो बेसिक डिफरेंस क्या है दोनों में, कि क्वांटल एसे और क्वांटिटेटिव एसे में बेसिक डिफरेंस ये है कि क्वांटिटेटिव एसे वो ऐसे होता है या वो कहले टेस्ट होता है जिसमें आप वायरस की अब वायरस के जो पार्टिकल है उसकी तादाद का आपको अंदाज़ा हो सकता है। यू कैन डिटरमिन वायरस पार्टिकल्स इन दी वायरस अनाकुलम या वायरस सस्पेंशन। उसके बरक्स जो क्वांटल ऐसे है इसमें यू कैन नॉट डिटरमिन द एग्जैक्ट नंबर ऑफ वायरस पार्टिकल, बल्कि क्या डिटरमिन होता है, यू डू नॉट काउंट द नंबर ऑफ इन्फेक्शियस वायरस पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द अनाकुलम बट इंस्टेड ऑब्टेन ए वैल्यू for the virus titer where measurement is based on an all or nothing principle. यानी आप एक ऑब्जर्व एक कोई चेंज ऑब्जर्व करते हैं, रिकग्नाइजेबल इफेक्ट वो ऑब्जर्व करते हैं और उस इफेक्ट की बेस पे आप कहते हैं कि वो इफेक्ट है या नहीं है, यानी कि सी पी ई सेल कल्चर में नोटिस हुई या नहीं हुई। इसके दरमियान में कोई रास्ता नहीं है, अगर सी पी ऑब्जर्व हुई है तो आप कह देंगे कि उसको मेजर करेंगे, वो कैसे करते हो आगे डिटेल पढ़ेंगे, लेकिन जो कह लें कि ये जो आपकी ऑब्जर्वेशन है वायरस की अमाउंट मेजर करने की वो किस पे बेस करती है, ऑल आर नथिंग प्रिंसिपल, यानी कि अफेक्ट है या नहीं है, सी पी है या नहीं है, एनिमल डेड हुआ या नहीं हुआ। हालांकि कोई भी वायरस आप नकुलेट करें तो कोई दरमियानी रास्ता भी तो हो सकता है ना, कि हो सकता है एनिमल किल ना हुआ हो तो वो जस्ट मॉर्बिड हो गया, डिजीज होगी उसको, कोई और साइन सिम्टम भी हो जाए, तो या तो फिर आपने वो साइन सिम्टम जो है उसको आप एक रिकग्नाइजेबल इफेक्ट आइडेंटिफाई कर लें। अगर आपका रिकग्नाइजेबल इफेक्ट है डेड या अलाइव तो फिर आपने इन दो प्रॉपर्टी की बेस पे सारे एनिमल को एवेलुएट करना है। तो ये इधर एक बेसिक डिफरेंस है क्वांटल ऐसे का और क्वांटिटेटिव ऐसे का। तो ज़्यादा डिटेल अगेन हम फिफ्थ सेमेस्टर में ज़्यादा आपको समझ आएगी, फिलहाल इतना ही काफ़ी है। तो बाकी क्वांटल ऐसे अगर आपने परफॉर्म करना हो तो उसमें सबसे पहले ये टेबल है, ये आपको मैं इस कल क्लास में एक्सप्लेन करके जाऊँगा। तो ये टेबल ही बेसिकली सारे टेस्ट की कह लें इस लॉजिक इसी टेबल के अंदर है। तो इस टेबल को आपने कैसे समझना है कि इसके डिफरेंट कॉलम्स हैं और वो कॉलम किसी एक एक्सपेरिमेंट की ऑब्जर्वेशन की बेस पे हैं, और इसको ऐसे समझ लें कि जो वायरस है आप कोई भी अमाउंट फर्ज करें वायरस की, एक एमएल फर्ज का आपके पास वायरस है तो आपने उसकी पहले क्या करनी है, डाइल्यूशन बना लेनी है, टेन फोल्ड डाइल्यूशन। तो टेन फोल्ड डाइल्यूशन कैसे बनती है कि एक एमएल आपके पास अगर वायरस है तो उसको आप 9 ml नॉर्मल सलाइन में या किसी और सूटेबल कह लें डाइल्यूशन मीडिया में आपने ऐड कर देना है, 1 ml वायरस और 9 ml क्या है
जो भी डाइल्यूएंट है, तो वो आप ये जो डाइल्यूशन बन गई इसको आप कहेंगे 1:10, या इसको आप 10^-1 लिख सकते हैं या 1:10 लिख सकते हैं। अगर इसका आप लॉग वैल्यू लें तो वो क्या होगी, -1। तो ये जो फर्स्ट कॉलम है जिसमें लिखा हुआ लॉग ऑफ वायरस डाइल्यूशन। सर अगर हमारे पास 1 ml वायरस है उसके बाद जो आपने बताया दोबारा एक्सप्लेन कर दें सर थोड़ा प्लीज। 1 ml अगर आपके पास फर्ज करें एक वायरस की अमाउंट है, आपको नहीं पता उस 1 ml में कितने वायरसेस हैं, ज्यादा हैं कम हैं, ये आपको पता नहीं है, यही आपने डिटरमिन करने के लिए ये टेस्ट करना है। तो 1 ml वायरस जो है उसको आपने आप करना है डाइल्यूट। तो डाइल्यूशन के डिफरेंट मेथड हैं, तो ज्यादातर 10-fold डाइल्यूशन की जाती है। तो 10-fold डाइल्यूशन का मतलब क्या, 1 ml को आप 9 ml फर्ज कर नॉर्मल सलाइन जो है उसके अंदर आपने मिक्स कर दिया, सेल कल्चर जो मीडियम होता है उसमें भी कर सकते हैं डिपेंडिंग के कौन सा ऐसे आपने यूज करना है। तो एनीवेज 1 / 9 ml डाइल्यूएंट, तो ये ओवरऑल डाइल्यूशन क्या होगी, 10-1 या 1:10 डाइल्यूशन। तो इसको लिखने का तरीका क्या है कि या तो आप 10^-1 लिख दें या उसका लॉग वैल्यू लेके आप लिख दें, तो लॉग 10 होता है 1 ही, ठीक है, और या पहले 10-1 का जो लॉग है वो होगा -1। तो इधर जो है उसने पहली -1, 2, 3, 4 डाइल्यूशन जो उसको स्किप किया है और -5, 6, 7, 8 लिख दी है। आप चाहें तो ये टेबल दोबारा ड्रा करके -1 भी लिख सकते हैं, 2, 3, 4, 5 लिख सकते हैं, लेकिन क्योंकि आपके पास ये जो नेक्स्ट कॉलम वाला डेटा है वो नहीं है, तो इसलिए कह लें आप ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि आपके पास, क्योंकि आपने ये एक्सपेरिमेंट नहीं परफॉर्म किया, ये जिस भी साइंटिस्ट ने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया ये उसी का डेटा है, तो आपने इसी को समझना है कि उसने क्या किया है। तो एनीवेज फर्स्ट कॉलम में आपने लिखा है वायरस की जो डाइल्यूशंस हैं, और वो डाइल्यूशंस हैं 10-fold, और उसकी भी लॉग वैल्यूज लिखी है, लॉग ऑफ वायरस डाइल्यूशन। तो 10^-5 का मतलब क्या है, अगर 10^5 लगा दें तो फिर 100,000 डाइल्यूशन हो जाती है, ठीक है, तो उसको लॉग में लिखें तो -5 होगा। तो ये 10 fold और डाइल्यूशन हो गया, ये 10 fold और मजीद डाइल्यूशन, और ये जो -8 है ये मजीद 10 fold डाइल्यूशन है। तो आप दूसरे लफ्जों में कह सकते हैं कि ये जो अमाउंट है यहाँ वायरस ज़्यादा है, और ये जो लास्ट कॉलम है यहाँ वायरस बहुत कम है, ठीक है। तो ये एक ज़रा आपने ऑब्जर्वेशन या चीज़ नोट करनी है। फिर आगे एक कॉलम है इन्फेक्टेड टेस्ट यूनिट्स। तो टेस्ट यूनिट्स का मतलब है या तो ये एम्ब्रियो हैं, या ये सेल कल्चर के जो आपको मैंने दिखाए थे वेल्स होते हैं वो समझ लें, या इसको समझ लें ये कोई एनिमल है, ठीक है, या एम्ब्रियो है या एनिमल है। तो जो भी होस्ट होगा उसी लिहाज से आप टर्म यूज़ कर सकते हैं, जैसे जिसने नीचे लिखा हुआ TCID50, EID50 या LD50, तो आप इसको ऐसे समझ लें कि फिलहाल ये एम्ब्रियोज हैं, एम्ब्रियोनेटेड चिकन एग्स हैं, ठीक है। तो उससे रेलिवेंट जो टर्म्स है वो है या तो LD50 हो सकती है या फिर EID50 हो सकती है। आप ऐसे समझ लें कि आपने ये जो वायरस की डाइल्यूशन बनाई इसको आपने 5 एम्ब्रियोनेटेड एग्स में इनाकुलेट कर दिया, ठीक है। और जब आपने 5 को इनाकुलेट कर दिया, आप देखना है कि उस वायरस ने उन 5 एम्ब्रियोनेटेड एग्स में क्या इफेक्ट शो किया। तो अकॉर्डिंग टू दिस एक्सपेरिमेंट ये जो वायरस की डाइल्यूशन थी उसने 5 के 5 ही एम्ब्रियोनेटेड एग जो है उनको इन्फेक्ट कर दिया, ठीक है, या कह लें उनको किल कर दिया, 5/5 किल हो गए या डेड हो गए, जो भी कह लें आप। नेक्स्ट जो डाइल्यूशन है जिसमें वायरस कम है, 10-fold कम है वायरस, उसमें क्या ऑब्जर्वेशन आई, 3/5, यानी कि 3 किल हुए 5 में से, ठीक है। और अगली डाइल्यूशन जिसमें वायरस और कम हो गया है, यहाँ पर ऑब्जर्वेशन क्या है कि 1 किल हुआ है और 5 में से 1 किल हुआ है, 4 बच गए, ठीक है, सरवाइव कर गए या अनइन्फेक्टेड रहे। ये जो डाइल्यूशन है जो सबसे कम है यूज़ की गई, उसमें कोई भी कह लें एम्ब्रियो जो है वो किल नहीं हुआ, 0/5, ठीक है, 5 के 5 बच गए। तो ये जो 2 वैल्यूज आपने इसमें ऑब्जर्व कर रहे हैं कि आपने 5 को वायरस लगाया, 5 के 5 किल हो गए, तो जो किल नहीं हुए वो कितने हैं, 0,
ठीक है, ये एक कॉलम आप इधर ऐड भी कर सकते हैं, लेकिन आप अज्यूम भी कर सकते हैं। ठीक है, ये जो वैल्यू है 3/5, इसका मतलब 3 किल हुए, बच कितने गए 2। ठीक है, यहाँ बचे कितने 4, यहाँ 5/5 ही बच गए। तो इस इंफॉर्मेशन के बेस पे नेक्स्ट ये जो दो कॉलम हैं ये डिटरमिन किए जाते हैं, वो कैसे, लेकिन इस कॉलम का नाम है क्यूमुलेटिव इन्फेक्टेड और दूसरे का क्यूमुलेटिव नॉन इन्फेक्टेड। तो जिस तरह ये इन्फेक्टेड टेस्ट यूनिट है, इसी तरह आप इधर एक कॉलम राइट साइड पे बना सकते हैं अन इन्फेक्टेड टेस्ट यूनिट्स। इधर आपने 5 लिखे तो इधर आप 0 लिख सकते हैं, इधर आपने 3 लिखे इधर आप क्या लिख सकते हैं 2 लिख सकते हैं, इधर 1/5 है इन्फेक्टेड तो अन इन्फेक्टेड इधर आप 4 लिख सकते हैं, और इधर अन इन्फेक्टेड आप कितने 5 ही लिख सकते हैं। ठीक है, तो मेन चीज जो आपने समझनी है वो है ये जो दो कॉलम है कि ये वैल्यू इसने किधर से निकाली। ठीक है, तो इसको कहते हैं क्यूमुलेटिव वैल्यू एक्सट्रापोलेट करना या क्यूमुलेटिव वैल्यू निकालना। तो इसको एरो जिस तरह ये ड्रा किए गए इसी डायरेक्शन में आपने ये चीज इसको पढ़ना है। तो सबसे पहले हम निकालनी वैल्यू हमने क्यूमुलेटिव इन्फेक्टेड, आप बोल रहे हैं ना, आप बोले ना, अदरवाइज ये मैं नोट करने लगा हूं तो यार को मोड़ के जोड़ेंगे दे। तो ये आपने फॉर्म पर अनम्यूट नहीं करना, कोई क्वेश्चन आप करें, अदरवाइज ये आप फॉर्म पर डिस्टर्ब कर रहे हैं। अच्छा जी, तो ये इन्फेक्टेड और अनइन्फेक्टेड की आपको समझ आ गई। इधर आपने वायरस की डिल्यूशन बनाई है, इधर आपने इन्फेक्टेड लिखे, इधर नेक्स्ट कॉलम आप बना सकते हैं अनइन्फेक्टेड का। अब ये जो वैल्यू निकालनी है उसको कहते हैं क्यूमुलेटिव वैल्यू डिटरमिन करना, या क्यूमुलेटिव इन्फेक्टेड और दूसरा है क्यूमुलेटिव नॉन इन्फेक्टेड या अनइन्फेक्टेड जो भी कह लें। ठीक है, तो अब इन्फेक्टेड की वैल्यू कैसे है कि फर्ज करें ये जो वायरस की डिल्यूशन थी, ये जो वायरस की डिल्यूशन थी -8, ये सारी गिवन डिल्यूशन में सबसे कम डिल्यूशन है, तो इस पर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सबसे कम डिल्यूशन है तो इसने कम से कम ही वायरस को होस्ट को किल किया होगा, और ये ज़्यादा ज़्यादा वायरस है इसमें तो इसने ज़्यादा वायरस होस्ट को किल किया होगा। ठीक है, इस चीज़ को ज्यूम करते हुए ये जो जीरो वैल्यू किधर से आई कि अनइन्फेक्टेड 5/5 कह लें, इस डिल्यूशन पे 5/5 होस्ट जो है वो अनइन्फेक्टेड रहे या जीरो इन्फेक्टेड हुआ, तो क्यूमुलेटिव इन्फेक्टेड क्या है 0। ठीक है, और इस डिल्यूशन पे कितने इन्फेक्ट हुए थे 1। ठीक है, 4 अनइन्फेक्टेड थे तो 1 जो इन्फेक्टेड है वो इधर लिख दिया। ठीक है, और जो नेक्स्ट कॉलम है इधर क्या है कि इस डिल्यूशन पे 3 इन्फेक्ट हुए थे। ठीक है, तो उसी तरह आप समझेंगे इधर 3 लिखना चाहिए था लेकिन इधर 4 लिखा है, तो ये 4 क्यों लिखा है कि उसमें ये जो वैल्यूज है ना 0+1 जो कि 1 ही है वो भी इसमें ऐड कर दिया है। ठीक है, तो 1 ये और 3 ये इस डिल्यूशन पे एक्चुअली कितने किल हुए थे 3, और 1 जो उससे पिछली डिल्यूशन पे भी किल हुआ उसको भी इसमें ऐड कर दिया, तो ये टोटल 4। ठीक है, इस डिल्यूशन पे 5 एक्चुअली किल हुए थे जो कि एक्सपेरिमेंट में की नज़र आए, तो वो 5 वो वैल्यू, ये 9 असल में लिखी है, तो 9 कैसे बनी कि 5 तो ये होगी और 4 किधर से आए, 4 ये वाले 1+3 4 हो गए, और 4+5 टोटल 9 हो गए। ठीक है, तो ये वैल्यू इधर से लगा दी। तो यानी कहने का मकसद ये है क्योंकि जब आपने वायरस लगाना है तो एक लिमिटेड नंबर ऑफ होस्ट को ही लगाएंगे, आप 5 एग्स लगा रहे हैं तो आप आपके पास कह लें रिसोर्स नहीं है कि आप ये डल्यूशन 50 एग्ज में लगाएं। ठीक है, तो ये टेस्ट लिमिटेड नंबर पे किया है, लेकिन उस लिमिटेड जो नंबर है उसको आप एक्सट्रापोलेट कर रहे हैं तो इंक्रीज दी वैल्यू, इसीलिए कह रहे हैं क्यूमुलेटिव वैल्यू निकालना। तो उसमें आपने वो जो हायर डल्यूशन हैं उसमें भी जो ऑब्जर्वेशन है उसको भी आपने बेसिकली इनकारपोरेट किया है, तो इसको इसी वजह से इसको कहते हैं क्यूमुलेटिव वैल्यू। तो ये तो है क्यूमुलेटिव इन्फेक्टेड
इसी तरह क्यूमुलेटिव नॉन इन्फेक्टेड निकालनी है तो उसकी भी जो कन्वेंशन है ये है कि आपने ऊपर से नीचे ऐसे कॉलम को पढ़ना है। तो इस डाइल्यूशन पे 5/5 एनिमल कह लें किल हो गए तो अनइन्फेक्टेड कितने थे, जीरो, तो क्यूमुलेटिव वैल्यू भी जीरो ही है। ठीक है, इस डाइल्यूशन पे 3 किल हुए थे, 2 अनइन्फेक्टेड थे तो क्यूमुलेटिव वैल्यू भी 2, ठीक हो गया। इस डाइल्यूशन पे अनइन्फेक्टेड कितने हैं, 4, ठीक है, लेकिन इधर लिखा कितना है 6, तो वो 6 कैसे बना कि उसने ये जो 2 वैल्यू है वो भी ऐड कर दी। तो इसकी अजम्पशन जो है वो ये नीचे मैंने हाईलाइट किया हुआ है कि इसकी अजम्पशन क्या है कि टेस्ट यूनिट्स विच वर नॉट इन्फेक्टेड बाय ए गिवन डाइल्यूशन ऑफ द वायरस वुड आल्सो बी अनइन्फेक्टेड बाय ए हायर डाइल्यूशन ऑफ द वायरस। एक्चुअली आपने सिर्फ इतने एनिमल को लगाया, उसमें से 2 बचे, ठीक है, लेकिन अगर ये जो 2 बचे हैं उनको आपने ये वायरस भी लगा दिया होता जो कि ज़्यादा डाइल्यूटेड है तो उन्होंने फिर भी बच ही जाना था। ये कहने कंसेप्ट यूज करके उन्होंने ये 2 वैल्यू और एक्चुअल 4 अनइन्फेक्टेड थे उसको इसमें जमा कर दिया और टोटल आ गया 6, ठीक है। ये जो डाइल्यूशन है इस पर एक्चुअली कितने बचे थे, 5, तो 5 वो और जो दूसरे पिछले अनइन्फेक्टेड कितने हैं, 2 ये वाले, 4 ये वाले, 4 तो 6 ये और 5 ये वाले, 11, ठीक है। तो ये इस चीज़ को ज़रा आपने समझना है कि क्यूमुलेटिव वैल्यू कैसे निकालनी है, क्यूमुलेटिव इन्फेक्टेड कैसे निकालना है और क्यूमुलेटिव नॉन इन्फेक्टेड कैसे निकालना है, तो ये कन्वेंशन आपने यूज़ करनी है। बाकी सारा ईजी है, वो जस्ट एक समझे जैसे रटा लगाना होता है फार्मूले को, उसी तरह यह है कि ये आपने कॉलम बनाया रेशियो ऑफ ए ओवर ए प्लस बी, तो ये ए वैल्यू ये, ठीक है, और ए प्लस बी भी 9 जमा 0 9 जमा 0 9 ही होगा, तो 9/9 ये 4/6 ये 1/7, ठीक है, और ये 0/11, और इसको आगे बाकी कैलकुलेशन ही है। 9/9 की परसेंटेज आप निकालें, परसेंट इन्फेक्टेड तो 100% है, यहाँ 4/6 की परसेंटेज निकालें तो ये 66.7 होती है, यहाँ पर ये 14.3 होगी और यहाँ पर ये 0 होगी। तो अब इस सारे टेस्ट में जो चीज़ आपको समझानी है वो है कि ये जो ऐसे परफॉर्म किया है इसमें 50% एंड पॉइंट कैलकुलेट करना, ये मैं कह रहे क्वेश्चन होता है कि हाउ विल यू डिटरमिन द 50% एंड पॉइंट। तो 50% एंड पॉइंट का मतलब क्या होता है कि वो वायरस की डाइल्यूशन जो कि 50% होस्ट को किल करेगी, ठीक है। तो इस एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि ये जो डाइल्यूशन है ये 66% को किल कर रही है या इन्फेक्ट कर रही है, और ये जो डाइल्यूशन है वो 14% को कर रही है, ठीक है। तो एग्जैक्ट 50% वैल्यू नहीं आ रही, तो उसको कैसे आपने डिटरमिन करना है, तो अज्यूम तो आप कर सकते हैं ना कि ये जो डाइल्यूशन है 6 और 7 इसके दरमियान में कोई वैल्यू होगी जो कि 50% को किल करेगी, लेकिन वो वैल्यू कैसे निकालनी है उसके लिए एक कह लें साइंटिस्ट थे रीड एंड मंच, उनका ये एक कैलकुलेशन का फार्मूला है, ये आपने ज़रा इसको याद करना है। उसको क्या कहते हैं, रीड एंड मंच कैलकुलेशन ऑफ द 50% एंड पॉइंट। 50% एंड पॉइंट क्या है, टू डिटरमिन द वायरस डाइल्यूशन दैट इज 50% ऑफ द इनोकुलेटेड होस्ट, ठीक है। तो उसमें सबसे पहले एक चीज जो निकाली जाती है वो है प्रोपोर्शनेट डिस्टेंस, यानी कि -6 और 7 के दरमियान 50% तक का जो डिस्टेंस है उसको कह देते हैं प्रोपोर्शनेट डिस्टेंस। तो प्रोपोर्शनेट डिस्टेंस इज लाइज बिटवीन टू डाइल्यूशंस, ठीक है, -6 और 7 के दरमियान में ही ये है, वो कैसे निकालना है उसका फार्मूला है 50% पॉजिटिव अबव 50%, ठीक है, 50% पॉजिटिव अबव 50% -50% और फिर डिवाइडेड बाय परसेंट पॉजिटिव अबव 50%, वही बात जो ऊपर वाली है, -परसेंट पॉजिटिव बिलो 50%। तो वो ये आपने टेबल से चीज़ निकालनी है कि यहाँ आप देख सकते हैं कि जो 50% से अबव वैल्यू क्या है ये वाली, 50% से बिलो वैल्यू क्या है ये वाली, ठीक है, और डाइल्यूशन कौन सी है वो 6 और 7 के दरमियान वाली है, वही आपने बेसिकली निकालनी है।
तो इधर आपने फार्मूला में ये चीज जरा रटा लगाई और प्रोपोर्शन डिस्टेंस कैसे आ गया कि ये 66.7% माइनस 50, ये पार्ट ऑफ फार्मूला, ये अगेन वही 66.7% माइनस वो 14.6%, ठीक है। तो इसको अगर आप करें कैलकुलेशन तो वो 0.3 वैल्यू आएगी इसकी, ठीक है। ये आपने नोट कर लेना कि प्रोपोर्शन डिस्टेंस क्या है 0.3, यानी कि ये डिल्यूशन ये डिल्यूशन के दरमियान 50% वैल्यू तक का जो डिस्टेंस है दैट इज 0.3, ठीक है। तो अब ये 0.3 किधर फिक्स करना है, वो उसका एक ये फार्मूला है कि लॉग ID50, इसको चाहे लॉग LD50 लिख दें, लॉग TCID50 लिख दें। तो उसका फार्मूला क्या है कि लॉग डिल्यूशन अबव 50% ये वाली माइनस 6 प्लस प्रोपोर्शनल डिस्टेंस जो आपने नीचे कैलकुलेट किया 0.3 मल्टीप्लाइड बाय लॉग डिल्यूशन फैक्टर, क्योंकि 10-fold डिल्यूशन आपने यूज की है तो उसका फैक्टर है -1, ठीक है, लॉग डिल्यूशन फैक्टर। तो इसकी कैलकुलेशन आप करें तो ये वैल्यू आ जाएगी -6.3। तो ये है लॉग वैल्यू, लॉग ID50, लेकिन इसको आप एंटी लॉग ले लें, उसको लिख देंगे ID50, तो वो क्या है 10^-6.3। ये चीज आपने निकाल ली, ये यानी कि ये वो वैल्यू है जो कि इस दोनों कैलकुलेशन या डिल्यूशन के दरमियान पाई जाती है। इसको लिखते हैं दिस इज द एंड पॉइंट डिल्यूशन, मींस दैट डिल्यूशन व्हिच विल इनफेक्ट 50% ऑफ द टेस्ट यूनिट्स इनोकुलेटेड, ठीक है। आपने जो एक्सपेरिमेंट में नोटिस किया वो है 66 और 14, लेकिन आप ये वैल्यू 50% वाली निकाल सकते हैं यूजिंग दिस आर डेटा, ठीक है। और उस 50% को क्या कहते हैं, ID50, इन्फेक्शियस डोज 50 या लिथल डोज 50, द एंड पॉइंट दैट डिल्यूशन ऑफ द वायरस दैट इन्फेक्ट या किल 50% ऑफ द टेस्ट यूनिट्स इनोकुलेटेड, ठीक है। तो अब इसको फर्दर ऐसे क्या करते हैं कि ये जो वैल्यू आई है इसका रेसिप्रोकल आपने लेना है कि द रेसिप्रोकल ऑफ दिस नंबर यील्ड्स द टाइटर इन टर्म्स ऑफ इन्फेक्शियस डोज पर यूनिट वॉल्यूम। तो इसको आप फर्ज करें 1/10, यही रेसिप्रोकल होता है ना, कि जो वैल्यू है उसको 1/ कर दें, ठीक है, 1/10^-6.3, तो वो ये वैल्यू आ जाएगी पॉजिटिव में 10^6.3। तो ये रेसिप्रोकल है इसका, ठीक है। तो फिर ये लिखा है पॉइंट यानी टेस्ट यूनिट वॉल्यूम क्या है 0.1 वॉल्यूम, यानी कि अगर आपने हर एनिमल को 0.1 ml 100 μl लगाया है तो आपने ये जो वैल्यू निकाली है बेसिकली 0.1 ml कह लें जो वायरस लगा उसकी बेस पे निकाली है। और अगर आप इसको पर ml निकालना चाहते हैं तो ये मल्टीप्लाइड बाय 10 हो जाएगा, तो ये जो 10^6/3 है ये 10^7/3 हो जाएगी। तो ये सिंपल मैथमेटिकल चीज़ है, बाकी चीज़ें जो मेन है वो मैंने आपको बताई। ये एक फार्मूला आपने ज़रा याद रखना है, और एक ये प्रोपोर्शन रेट डिस्टेंस वाला जो है फार्मूला वो याद रखना है, और उस फार्मूला को लगाना कैसे है वो सारा इस टेबल की बेस पे, ठीक है। ये टेबल जो है ऐसे भी आपको एग्जाम्पल में आ सकता है, हो सकता है ये वैल्यूज़ मैं आपको दूँ ना, ठीक है, ये वैल्यूज़ दूँ सिर्फ, तो इस वैल्यू और इस वैल्यू की बेस पे आप बाकी सारा जो है खुद निकाल सकते हैं। ये वैल्यूज मैं चेंज भी कर सकता हूँ, डिल्यूशन मैं 10^-1, 2, 3, 4 भी रख सकता हूँ, ठीक है। इधर आपने हर डिल्यूशन जो है वो लगाई है 5 को मैं इधर 6 लिख दूँ या 7 लिख दूँ, ठीक है, तो 7/7 या इधर लिख दूँ 4/7, 1/7। तो बाकी आपने ये वैल्यूज आपने इसी एग्जाम्पल को आपने ये निकालनी है, फिर ये परसेंटेज लेनी है, और फिर ये परसेंटेज यूज़ करके आपने इस फार्मूला में प्रोपोर्शनल डिस्टेंस के और ये जो लॉग ID50 का फार्मूला लगा के आपने ये वैल्यू निकालनी है बेसिकली, जिसको हम कहते हैं एट द एंड टू डिटरमिन द एंड 50% एंड पॉइंट कैलकुलेशन, यानी कि वो वायरस की डिल्यूशन जो कि 50% इनोकुलेटेड होस्ट को किल करेगी, ठीक है। तो इस सारी जो मैंने बात की यही चीज़ें जो हैं इधर एक्सप्लेन की गई हैं, ठीक है। तो इसको आप ज़रा एक सिंपल रीडिंग करें, डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सिंपल आपने ये जो बेसिक स्टेप मैंने उस टेबल के साथ एक्सप्लेन किए वही आपने इधर से पढ़ने हैं।
ठीक है, तो वही चीज़ें कि कैसे आपने ये परफॉर्म करना, टेस्ट टू परफॉर्म क्वांटल ऐसे सीरियल डिल्यूशन होनी चाहिए वायरस की, उसको वायरस को आपने फिर लगाना है किस में, या सेल कल्चर में लगाएं, एग में लगाएं, एनिमल में लगाएं। तो आपको मैंने कहा कि सिंपली आप समझने कि एग में लगा रहे हैं आप, 5 एग थे ठीक है, फिर आपने उसमें एक एंड पॉइंट कैलकुलेट करना है। तो एंड पॉइंट किस बेस पे निकालना है, वो उसकी के भी आया एम्ब्रियो किल हुआ है कि नहीं हुआ, ठीक है, तो उस बेस पे निकालना है। और फिर आ जाता है ये उसकी जो डेफिनेशन है टाइटर की, सॉरी एक ऑब्जर्वेशन है कि एट द हायर वायरस डाइल्यूशन द होस्ट आर अनइंफेक्टेड। जब वायरस कम होगा तो डेफिनेटली होस्ट में वो चेंजेस भी कम लाएंगे या जीरो चेंज, और अगर वायरस कम डाइल्यूटेड होगा यानी कि वायरस ज़्यादा होगा तो वो होस्ट सिस्टम में ज़्यादा चेंजेस लाएगा या ज़्यादा मोर्टैलिटी करेगा, ज़्यादा उसमें कह रहे हैं CPE प्रोड्यूस करेगा। तो ये बातें जस्ट आपने पढ़नी है, इसको ऐसे डिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं, जस्ट समझाने के लिए था, वो मैंने आपको पहले ही डिस्क्राइब कर दिया। तो ये एक फार्मूला जो है वो एंड में मैंने बताया कि टाइटर क्या है, इट इज़ डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ द डाइल्यूशन ऑफ द वायरस दैट इन्फेक्ट्स 50% ऑफ द इनोकुलेटेड होस्ट, ठीक है। तो यही चीज़ हमने एंड में निकाली है, और ये 50% एंड पॉइंट निकाला किस मेथड से जाता है, रीड एंड मंच मेथड, वही मैंने अगेन आपको आगे एक्सप्लेन कर दिया है। तो इसको आप ज़रा लेक्चर को दोबारा सुने और कोशिश करें कि रीड एंड मंच मेथड ऑफ 50% एंड पॉइंट कैलकुलेशन क्या होता है, इसको विद द हेल्प ऑफ दिस एग्जांपल ज़रा याद रखें आप। तो होपफुली ये आप कह लें फिफ्थ सेमेस्टर में ज़रा इसको फिर और डिटेल में हम पढ़ते हैं। ये तो था क्वांटल ऐसे, तो क्वांटिटेटिव ऐसे क्या होते हैं वो अगेन यहाँ मैं इसको इसकी डिटेल में नहीं जाना चाह रहा। तो क्वेश्चन है तो जल्दी जल्दी कर लें, अदरवाइज ये अटेंडेंस आप LMS पे लगा दें, और नोट्स मैंने ये अपलोड कर दी हैं।